अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कलिफ्टन स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए पाकिस्तान रेंजर पंजाब की ताज़ा तरीन असामियों की अपडेट लेके आए हैं। तो अगर आप लोग इन असामियों के बारे में मुकम्मल मालूमात मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान रेंजर पंजाब ने कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस की हैं और इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और इस पर अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई जॉब की मालूमात आप लोगों तक पहुंच सके। तो पाकिस्तान रेंजर पंजाब ने जो असामियाँ अनाउंस की हैं उन असामियों पे अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है और इन असामियों पे मिडल और मैट्रिक पास जो उम्मीदवार हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो 1050 हैं और इसमें जो है ऑल ओवर पाकिस्तान से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इन असामियों पर अप्लाई करने का जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके आपकी कम से कम जो तलीम है वो मिडल होनी चाहिए और आपकी जो उम्र की वो कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों की उम्र 22 साल तक होगी तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और आपकी हाइट जो है 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए और आपकी चेस्ट जो है वो 33 इंच होनी चाहिए, ठीक है। और जो सुबह के लिहाज से कोटा है, जो प्रोविजनल कोटा है, उसमें मेरठ 7.5% है, पंजाब का 50% है, सिंध का 19% है, 19% है और खैबर पख्तूनख्वा का 11.5% है, ठीक है। और बलोचिस्तान का 6% है, फाटा का 3% है और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का 1% है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का 2% है और मिनोरिटी कोटा जो है वो 5%, ठीक है। और जो आपको उन लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें सबसे पहले आप लोगों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होनी है, फिर इनिशियल मेडिकल टेस्ट, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर रिटर्न टेस्ट होगा, फिर आप लोगों का जो है इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के बाद एक दफ़ा फिर फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आप लोगों को जो कॉल लेटर जो इशू किए जाएंगे और कॉल लेटर्स के बाद आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जो वीकेंड पोजिशन हैं वो सिपाही की असामियाँ हैं, ठीक है। और उसको जो अप्लाई करने का तरीका कार है वो आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का लिंक सामने आप लोग वीडियो में भी देख रहे हैं, इसके अलावा जो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ से लिंक को ओपन करें और अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते ही फ़ौरन जो आप लोगों की रोल नंबर स्लिप जनरेट हो जाएगी, तो आप लोगों के रोल नंबर स्लिप पे जो टेस्ट वेन्यू लिखा होगा, जो ड्रेस होगा और जिस टाइम पे टेस्ट होगा, आप लोगों ने उसी दिन उसी टाइम जो है उसी एड्रेस पे पहुंच जाना है अपने उसके लिए फिजिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। और ये पाकिस्तान रेंजर पंजाब की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से जो है आप लोग सारी डिटेल रीड कर सकते हैं, ठीक है। इस एडवर्टाइजमेंट में जो है ब्रीफली बहुत अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया हुआ है, हम जो भी जो वीडियो बनाते हैं तो उसके साथ एडवर्टाइजमेंट लाजमी शेयर करते हैं। यहाँ से दे सकते हैं सुबह बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के जो हेडक्वार्टर कौन कौन से हैं, तो इन्हीं हेडक्वार्टर्स में से ही आप लोगों का जो है वो टेस्ट के लिए आप लोगों को इन्हीं हेडक्वार्टर्स पे जो है वो बुलाया जाएगा। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं इन असामियों पर अप्लाई करने के तो ज़रूर अप्लाई करें। और आप लोगों ने जब टेस्ट के लिए जाना है तो अपने साथ रोल नंबर स्लिप लाजमी लेके जानी है, अदरवाइज आप लोगों को एंट्री नहीं करने दी जाएगी। शुक्रिया।